मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा के मनोहर लाल सरकार सूबे की जनता को हर स्तर पर राहत देने के मामले में कारगर नीतियों पर लगातार अमल कर रही है और यही वजह है कि सूबे के किसान, मजदूर और नौकरी पेशा सभी मनोहर सरकार की सराहना करते हैं। दरअसल हरियाणा के किसान सुनियोजित खेती की बदौलत तरक्की की राह पर हैं और लिहाजा सरकार भी किसान हितों पर ज्यादा फोकस कर रही है। हालांकि मनोहर लाल सरकार किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव ना हो इस बात पर पूरी तरह से गंभीर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मनोहर सरकार सुशासन को प्राथमिकता में रखकर जनता की सेवा में जुटी हुई है, जिससे सरकार की छवि में लगातार इजाफा हो रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल किसानों के मसीहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के मसीहा के तौर पर उन्हें लाभ पहुंचाने में जुटे हुए हैं। राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है, यही वजह है कि किसान और कृषि सरकार की नीतियों के केंद्र में है। किसानों के लिए मनोहर लाल सरकार ने निरंतर कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। बता दें कि मनोहर सरकार किसानों के हित में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि किसानों को जागरूक होकर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। जो लोग किसानों के साथ राजनीति करते हैं उनको पहचानना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग जो हर जगह जाकर किसानों का नाम लेकर धरना देते हैं, रास्ते रोकते हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। अभी हाल ही में भिवानी के लोहारू में आयोजित हुए अन्नदाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि और किसानों से जुड़ी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रक्रिया अनुसार सबको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। विकास कार्यों के मद्देनजर राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। अब किसान को किसी भी कार्य के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, केवल मेरी फसल मेरा पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करवाना होता है। वहीं मनोहर सरकार किसानों की फसलों की बिक्री की व्यवस्था करा रही है और खरीद के बाद उसका पूरा पैसा सीधा किसानों के खातों में, जबकि पिछली सरकारों में किसानों को आढ़तियों के पीछे घूमना पड़ता था, लेकिन अब पैसा किसानों को ही मिलता है। प्रदेश के किसानों का उत्साह देखकर, वास्तव में जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि एक किसान प्रधान प्रदेश है, क्योंकि किसान हमारा कृषि का काम तो करता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आने लगा है कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान में जाते हैं तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं देश और दुनिया में, हरियाणा का नाम जो कमाते हैं, अभी एशियाड जो खेल हुए चाइना के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो देश भर के मेडल आए उसमें 30% मेडल हरियाणा के हैं। मित्रों, तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है तो इन किसानों के बलबूते पर बढ़ रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने अभी जो प्रदर्शनी देखी है, इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज
हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। 5000 साल पहले अगर किसान ने सबसे पहले हल्का मुट्ठा पकड़ा था तो ये हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में पकड़ा था, उस समय हल चलाना पहली बार लकड़ी का हल सीखा था। लेकिन आज उस मशीनीकरण के माध्यम से किसान बिजाई भी अपना करता है, किसान कटाई भी करता है, किसान अपने अनाज की कढ़ाई भी करता है, हर प्रकार का मशीनीकरण, आधुनिकता और इसी प्रकार से विज्ञान की नई नई रिसर्च, जिस प्रकार का यहां हमने सारा देखा है, यानी जो फसलें कभी हरियाणा में हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, उनका भी इस रिसर्च करके बीज का उत्पादन यहां किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग वैज्ञानिक लगे हैं उसमें, मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज है और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, हमारा ये जो प्रगतिशील किसान है, कई बार मुझे किसानों से बात करने का अवसर मिलता है तो हरियाणा के किसान सामान्य छोटी जमीन वाले भी यानी नए नए तरीके से अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में एक मैंने देखा है किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती, लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है, एक एक किसान 10-10 लाख रुपया प्रति एकड़ कमाने वाला, ग्रीन हाउसेस लगा करके, भले ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने तो उनके लिए भी योजना बनाई कि ऐसे प्रगतिशील किसान अपने जैसे 10 किसान और तैयार करें। आज अगर वो संख्या 1000 होगी तो 10 किसान हर साल में और तैयार करते हैं तो हर साल 10 गुना उनकी संख्या बढ़ सकती है। अन्नदाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछला दौर याद किया और कहा कि जब वो सन 1982 से 1984 के दौरान पार्टी के काम के कारण भ्रमण करते थे तो उस समय रास्तों पर रेत के पहाड़ उड़कर आ जाते थे, लेकिन अब टेल तक पानी पहुंचने, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू होने से और किसानों की मेहनत के कारण इलाके की भूमि उपजाऊ हो गई है, अब रेत के पहाड़ नहीं दिखते हैं। इसके लिए अन्नदाता बधाई के पात्र हैं। हरियाणा में किसान हित के काम होने के बावजूद अगर विरोधी आरोप लगाते हैं तो सीएम मनोहर लाल अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को कमजोर करने का काम किया है, उन्हें हमेशा गुमराह कर उनका अहित किया। तो बहनों भाइयों, हम इस प्रदेश की सेवा हर व्यक्ति के करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा ताना मारते हैं कि इसका तो घर ही नहीं है, इसका तो परिवार ही नहीं है। मैं उस समय थोड़ा सा विचार करता हूं, तब लोगों को बताता हूं कि भाई मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से बड़ा है, मेरा ये हरियाणा प्रदेश, इस हरियाणा प्रदेश का 2,80,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनकी सेवा करना मेरा काम है। तो इन सेवा करने के लिए बहुत योजनाएं चलाई हमने, उन योजनाओं की बजाय मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे किसान बंधुओं जागरूक होकर के आगे बढ़ना सीखो। सुभाष बराड़ जी ने कहा कि हमको अपना दुश्मन पहचानना चाहिए। अब उस नाते से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किसानों के साथ, किसानों के हक की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने की, किसानों के हक की राजनीति हमको करनी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग किसानों के इश्यूज को लेकर के अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसानों के साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये जो हर जगह जाकर के किसानों का नाम लेंगे और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते हुए कहीं धरना देंगे और कहीं प्रदर्शन कराएंगे, कहीं रास्ते रोकेंगे, इन चीजों से हमको सावधान रहना है। आईटी युग में कृषि क्षेत्र में नए सिस्टम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक आईटी के युग में अब कृषि क्षेत्र में नए सिस्टम खड़े किए जा रहे हैं। फसलों में यूरिया का छिड़काव करने के लिए किसानों को पीठ पर डब्बा बांधकर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ड्रोन का उपयोग कर यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। आंकड़ों के लिहाज से 15% किसान इस तकनीक का प्रयोग करने लगे हैं। ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा।
इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही, 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई केवल किसानों के लिए। किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, जैसा अभी बात आई कि मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाए, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिले, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है, अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे, चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी, और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। अब हमने नए सिस्टम में क्या खाद, यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव, आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 15% किसान करने लग गए हैं इसको। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लिए जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे, तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं, हमारी बहनें भी चलाएगी, तो उसका नाम भी, उस ड्रोन का नाम ही रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, हाँ, जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे हैं। आपको बता दें कि किसानों के मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नजरिया बिल्कुल अलग है, वो किसान को संत से कम नहीं मानते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि किसान त्याग की मूर्ति है, यह केवल एक संत ही कर सकता है। सीधा से लोग बोलते थे नौकरियां बिकती हैं, जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया जिसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हाँ पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है, अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं, ग्रुप सी और डी इसके इंटरव्यू खत्म किए। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना, और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट लगती है। और हरियाणा में बहुत सी चीज़ें बदली हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हुए हैं, तो इस गुड गवर्नेंस के नाते से चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिसेज हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है, हर दिन कोई नई बात आती है। और मुझे मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो, कैसे निकालोगे। जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका काम है। हेतु है जन सेवा, जनता का हित, ये हेतु है। आखिर हम किस लिए बने हैं? सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लाख जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं इनके परिवारों को पालना ये सरकार का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। हम तो माध्यम हैं, हम तो इन सारी योजनाओं को, जनसेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं, तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए। ये तो दायित्व है सरकार का कि ठीक है जो काम पूरा समय लगा के करेंगे तो उनका जीवन यापन कराना ही सरकार का काम है, लेकिन बदले में हम सेवा का व्रत लेकर के करेंगे, और तभी होगा जब मन के अंदर एक धारणा बनेगी, क्या अयम निजा प्रो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है ये तेरा है, इस दायरे में अगर रहेंगे तो इस सोच से हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। ये पूरा विश्व एक कुटुंब है, हम विश्व की बात छोड़ दें, देश की बात छोड़ दें, हरियाणा जिसके लिए हमने काम करना है उसी की सोच लें कि 2 करोड़ 80 लाख लोगों का ये हमारा परिवार है,
इस परिवार में जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना, ये हमारा काम है। इस काम को करने के लिए अगर उसके साथ हम संबंध जोड़ेंगे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, तभी जाकर हम काम को कर पाएंगे। मनोहर सरकार में उन्नत खेती को बढ़ावा। आपको बता दें कि कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा के लोगों की आजीविका का मुख्य माध्यम खेती किसानी ही है। हरियाणा में उन्नत खेती को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे उत्तम कहे जाने वाले खेती व्यवसाय और किसानों को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं कर रहे, जिसके कारण किसानों पर फोकस के लिए मनोहर सरकार की तारीफ हो रही है। सब्सिडी के लिए सरकार ने खोला खजाना। आपको बता दें कि बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार ने वर्ष 2030 तक वर्तमान कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7% के बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। सूबे के किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। सरकारी स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 में बागवानी की विभिन्न स्कीमों के तहत 25,000 लाभग्रहियों को 166 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। फिलहाल प्रगतिशील किसानों की प्रतिक्रिया यह कहा है कि सही मायने में हरियाणा सरकार किसान हित के लिए काम कर रही है। किसानों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार ने जिस तरह की नई नई योजनाएं चलाई हैं, उससे कृषि लागत में कमी के साथ ही उपज की बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी अनूठी योजनाएं किसानों के लिए लागू करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। किसानों को सुविधाएं अनेक। सबसे खास बात यह है कि मनोहर सरकार बीज से बाजार तक किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही है। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है, बुआई के पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। फसलों के तैयार हो जाने से बाजार में उसकी बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक, किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं मनोहर सरकार में मुहैया है। बागवानी फसलों को बढ़ावा। हरियाणा में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार के प्रयासों की सराहना हो रही है। फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम किसान खुश हैं, जिसके तहत 1763 गांवों में 393 बागवानी फसल समूहों की पहचान की गई है। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक FPO का गठन किया जा रहा है, जिसके अलावा प्रत्येक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला, बागवानी उपज के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस भी स्थापित किया जा रहा है। सरकार की फूड प्रोसेसिंग नीति कारगर। हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग नीति बनाने से किसानों को बड़े फायदे हुए हैं। बता दें, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना किसानों के हित में है। किसानों को उनकी पैदावार के और अधिक लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं। इस नीति के तहत लगभग 94 करोड़ रुपए की राशि से कुल 33 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और लगभग 116 करोड़ रुपए की लागत से 44 अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की। इससे बाजार में फलों और सब्जियों के भावों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त किया गया। सरकार का किसान उत्पादक समूह का लक्ष्य, बागवानी फसलों की आसानी से बिक्री और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 1000 किसान उत्पादक समूह यानी कि FPO बनाए जाने का लक्ष्य है। अब तक 731 किसान उत्पादक समूह बनाए जा चुके हैं। इन समूहों द्वारा 150 इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान अपने फल व सब्जियों के बेचने में सक्षम होंगे। मनोहर सरकार के प्रति किसान का नजरिया। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सब्जी पौध के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उच्च तकनीक वाले ग्रीन हाउस में मिट्टी रहित तैयार शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैगन की पौध पर 50% सहायता दे रही है।
सीएम मनोहर लाल किसान ही नहीं सभी वर्गों को सुशासन का एहसास करा रहे हैं। सुशासन के मद्देनजर हरियाणा में बहुत काम हुए हैं। सूबे की जनता को परिवार मानते हुए सीएम मनोहर लाल सभी को सेवा का संकल्प लेकर जनहित का कार्य करने के पक्षधर हैं। जनता का हित और सेवा उनके लिए सर्वोपरि है। मनोहर राज में विकास की बयार बह रही है। सूबे की सरकार को लेकर जनता के नजरिए में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।